हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, और जो पीडीएफ है वो गूगल ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द डायमंड रिवेटिंग। इसमें पूछा जा रहा है कि एक हमें डायमंड रिवेटिंग पैटर्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि हमारा वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होगा। वीकेस्ट सेक्शन का मतलब हुआ कि हमारा कौन सा सेक्शन होगा जो सबसे पहले रप्चर करेगा। ठीक है, मींस सबसे पहले हमारा फेल होगा। तो डायमंड रिवेटिंग के बारे में आपको ब्रीफ भी किया था, तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि डायमंड रिवेटिंग पैटर्न दिया हुआ है जिसमें सभी जो रिवेट्स हैं वो सिमेट्रिकली सेंटर लाइन ऑफ प्लेट, ये सेंटर लाइन ऑफ प्लेट है जिसके अलोंग हम लोड मान रहे हैं कि पी एक्ट कर रहा है, उसके अलोंग सिमेट्रिकली अरेंज्ड है रिवेट्स। तो यहां पर डिफरेंट सेक्शंस हमने लिए हुए हैं, सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2, सेक्शन 3-3। ठीक है, यहां पर इसकी डुप्लीकेसी है, तो ये हमारी बेसिकली प्लेट है जिसकी विड्थ जो है बी है। ठीक है, तो हम अगर अज्यूम करें कि हमारा सेक्शन 1-1 कंसिडर करें, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग होगी, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग वो क्या होगी, हमारी विड्थ माइनस जो हमारा नेट सेक्शन है। बेसिकली सेक्शन 1-1 पे हमारा नेट सेक्शन कितना है, ए नेट इज इक्वल टू विड्थ हमारी बी माइनस डी है। अगर हम ये मान लें कि हमारा जो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है वो हमारा डी है, तो b माइनस डी हमारा नेट एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ द प्लेट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एट सेक्शन 1-1। ठीक है, अगर सेक्शन 2-2 की बात करें, सेक्शन 2-2 हमारा फेल तब करेगा जब हमारा सेक्शन 1-1 का जो रिवेट है वो फेल कर चुका होगा। तो सेक्शन 2 की जो स्ट्रेंथ होगी प्लेट की टीयरिंग में वो कितनी हो जाएगी, नेट एरिया हमारा वहां पर कितना हो जाएगा, b माइनस 2d इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा टी प्लस हमारी जो रिवेट की वैल्यू है। रिवेट वैल्यू मतलब इस रिवेट की जो वैल्यू है, मीन्स मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जो शियरिंग या बियरिंग में है वो रिवेट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो डायमंड रिवेटिंग में, वैसे वैसे हमारी जो उसके पहले के सेक्शंस हैं उन पर जो रिवेट वैल्यू है वो एड होती जा रही है। यानी सेक्शन 3 तक पहुंचने के लिए, अगर सेक्शन 3 पे हम माने कि हमारा फेल्योर सेक्शन 3-3 पे हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 पे जितने रिवेट्स है वो सब फेल हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 1 जब तक फेल नहीं होगा तब तक उसके आगे के सेक्शंस हमारे फेल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन क्या हुआ, वीकेस्ट सेक्शन क्या हुआ, सेक्शन 1-1 हुआ। बिकॉज यहां पर हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी रिवेट्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो विड्थ ऑफ द प्लेट है अगर हम इस फर्स्ट सेक्शन से निकालें, बिकॉज वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, तो विड्थ ऑफ प्लेट जो रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी पी अपॉन टी सिग्मा एफ प्लस डी। तो इससे ये पता चलेगा कि हमारी जो विड्थ है डायमंड रिविटिंग में जो रिक्वायर्ड थी वो हमारी चेन रिविटिंग से कम है। तो उसका मतलब ये हुआ देयर विल बी सेविंग ऑफ मटेरियल, और साथ ही साथ हमारी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। इस वजह से हम चेन रिविटिंग से को लेस प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डायमंड रिविटिंग, और जो डायमंड रिविटिंग है स्पेशली हमारी जो ब्रिज ट्रसेस हैं वहां पर यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि जो फेलियर है ऑफ प्लेट इन दिस फॉर्म ऑफ रिवेटेड जॉइंट एट एनी अदर सेक्शन अदर देन 1-1 कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन ऑल रिवेट्स प्रायर टू दैट सेक्शन। यानी सेक्शन 3-3 के फेलियर होने के लिए सेक्शन 2 और 1-1 के फेल होना जरूरी है, तभी हमारा फेल्योर जो होगा सेक्शन 3-3 के अलोंग होगा। इस वजह से जो क्रिटिकल सेक्शन है हमारा वो डायमंड रिविटिंग के केस में प्लेट के लिए फेल्योर के लिए हमारा सेक्शन 1-1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू इन उनविंस फॉर्मूला जो हमारा रिवेट का डायमीटर है वो कितना होना चाहिए फॉर TMM थिकनेस ऑफ प्लेट। तो जो उनविंस फॉर्मूला है बेसिकली ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो रिलेट करता है कि हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट और जिस प्लेट्स को हम उस रिवेटिंग कर रहे हैं उसकी थिकनेस अगर हम मान लें कि टी है, तो उन दोनों को एम्पेरिकली रिलेट करेगा। तो बेसिकली डिजाइन में हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ प्लेट। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड ऑन द फील्ड ट्रायल्स एंड रिजल्ट्स, हमारा उनविन ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया जो कि हमारा बेसिकली अप्लीकेबल है
कब अप्लीकेबल है? जब तक हमारा जो डायमीटर ऑफ रिवेट है वो हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट से ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है इसकी अप्लीकेबिलिटी के लिए। और जो ये फॉर्मूला है ये हमारा रिजल्ट जो देता है, डायमीटर ऑफ रिवेट देता है, ये ओवर एस्टिमेट कर देता है। इसी वजह से हम डिजाइनिंग में कुछ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाइ इज इक्वल टू 6.01 रूट टी, जहाँ पे टी हमारी इसकी जो यूनिट है वो एमएम में है, और जो फाइ जो डायमीटर हमारा नॉमिनल डायमीटर, बेसिकली नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट जो आएगा वो हमारा ए बी हमारा एमएम में होगा। बस कंडीशन अप्लीकेबल ये होगी कि डायमीटर ऑफ रिवेट जो होना चाहिए इस फॉर्मूला की अप्लीकेबिलिटी के लिए थिकनेस ऑफ प्लेट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक फ्लैट है बेसिकली जिसको हमें डिजाइन करना है एक पुल लोड के लिए 690 किलो न्यूटन, और ये गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये गसेट प्लेट है, दिस इज कनेक्टेड विद सम रिवेट्स। हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं, ये मान लेते हैं कि एन रिवेट्स हमारे लगे हुए हैं गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करे हुए। और ये निकाला हुआ है कि इफ द पुल्स रिक्वायर्ड टू शेयर द रिवेट, जो रिवेट्स यूज किए जा रहे हैं उनमें शेयरिंग की स्ट्रेंथ 68.5 किलो न्यूटन है, क्रशिंग करने के लिए रिवेट के लिए, यानी क्रशिंग इज रिलेटेड टू बियरिंग ऑफ रिवेट, मतलब बियरिंग में जब रिवेट फेल हो रहा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है 46 किलो न्यूटन है, और जब प्लेट की टियरिंग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लेट की टियरिंग जब हो रही है तो 69 किलोमीटर पर पिच लेंथ उसकी स्ट्रेंथ है। तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमें कितने चाहिए, तो बेसिकली एक आपकी टर्म होती है रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारा रिवेट आप यूज कर रहे हो उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना है रिवेट वैल्यू मिनिमम स्ट्रेंथ होता है, नॉट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो जब आपने कहा कि मिनिमम स्ट्रेंथ है तो जो रिवेट्स के फेलियर मोड्स हैं, जितने तरीके से रिवेट्स हमारा फेल हो सकता है, तो रिवेट्स फेल कैसे हो सकता है, शेयरिंग में फेल हो सकता है, या हमारा बियरिंग में फेल हो सकता है जिसे हम क्रशिंग बोल रहे हैं। तो यहां पर आप दोनों फेनोमेना देख रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ रिवेट और क्रशिंग ऑफ रिवेट में कैसे हमारा फेलियर हो रहा है। तो इसके बेसिस पर जो इन फेलियर से जो हमें स्ट्रेंथ मिल रही है उनमें से जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो हमारी रिवेट वैल्यू होगी। तो ठीक है, अब रिवेट वैल्यू आपको पता है तो आपको लोड भी पता है कितना लोड के लिए आपको डिजाइन करना है। तो नंबर ऑफ रिवेट जो होगा टोटल लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाई रिवेट वैल्यू, ठीक है, मतलब एक रिवेट जो आप यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मिनिमम स्ट्रेंथ। और फेलियर हमारा टियरिंग ऑफ प्लेट से भी हो सकता है, दीज आर थ्री मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट्स। तो यहाँ पे हमारा टोटल लोड आपका जो एक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन से हम कर रहे हैं, तो 690 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई रिवेटेड वैल्यू जो होगी, इनमें से मिनिमम वैल्यू जो है 46 किलो न्यूटन है, तो विल डिवाइडेड बाई 46, तो हमारे जो नंबर ऑफ रिवेट्स निकल के आएंगे 15 रिवेट्स आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना है कि इस तरह के जो फेल्योर्स होते हैं, जैसे क्रशिंग हो गया आपका, ठीक है, जब बियरिंग स्ट्रेस रिवेट और कॉन्टेक्ट सर्फेस के बीच में एक्सीड कर जाती है तब हम ये क्रशिंग ऑफ रिवेट कंसिडर करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रिवेट वैल्यू दिया है 16.8 किलो न्यूटन और फोर्स जो है वो 16.3 है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स कितने चाहिए गसेट प्लेट को कनेक्ट करने के लिए, तो वापस से टोटल लोड हमारा जिसके लिए डिजाइन करना है डिवाइडेड बाई 16.3 हमारा रिवेट वैल्यू है, यूनिट्स हमारी किलो न्यूटन में है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 1.03, बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर आप 1 करोगे तो ये फेल हो जाएगा ज्वाइंट, अगर एक रिवेट आप दोगे तो रिवेट वैल्यू से ज्यादा लोड होने की वजह से जॉइंट फेल हो जाएगा, बिकॉज दिस वैल्यू नंबर ऑफ रिवेट्स इज ग्रेटर देन 1.03, तो हमारा राउंड ऑफ में ये जो नंबर ऑफ रिवेट्स हमें प्रोवाइड करने होंगे एटलीस्ट 2 प्रोवाइड करने होंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रिवेटेड कनेक्शन दिया गया है और हमसे बोला गया है कि रिवेट जिसमें हमारी मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर्स में ब्रैकेट कनेक्शंस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कनेक्शन दिखाया हुआ है ये हमारा ब्रैकेट कनेक्शन है, और ब्रैकेट कनेक्शन में हमारे दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, जिसमें हमारा पहला कैटेगरी है टाइप 1 कनेक्शन, दूसरा कैटेगरी है टाइप 2 कनेक्शन। तो जो ब्रैकेट कनेक्शन है इसमें बेसिकली क्या करते हैं, दो मेंबर्स हमारे सिक्योर्ड रहते हैं जिसमें वो इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक रहेगा हमारा, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिकॉज ये ब्रैकेट कनेक्शन है तो हमारा एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर, एक कॉलम है ये बीम है, दोनों हमारे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये एक के ऊपर रखे हुए हैं। तो जो कनेक्शन आपका बनेगा ये हमारा ब्रैकेट कनेक्शन बनेगा, और टाइप 1 कनेक्शन वो होगा
जिसमें जो ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हमारा इज इन द प्लेन ऑफ कनेक्शन, ठीक है, जो कनेक्शन का प्लेन है उस प्लेन में है, और जो टाइप टू कनेक्शन होंगे ब्रैकेट कनेक्शन के, वहां पे जो ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड की वजह से, वहां पे वो कनेक्शन के प्लेन से परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कनेक्शन होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कनेक्शन। अब जो भी आपका ग्रुप है, रिविटेड ग्रुप है, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सीजी मान लेते हैं, और एक सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा वो हमारा सीजी ऑफ रिविटेड ग्रुप होगा, ये आपको पता है, बिकॉज यहां पे ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो आपको एक सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए होगा जिसके अबाउट हमारा जो लोड है वो रोटेशन एक्शन इंड्यूस करेगा। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड आपको पता है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, अगर इंक्लाइंड होगा तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे टाइप वन कनेक्शन है, यहाँ पर टाइप वन कनेक्शन दिया है बिकॉज यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं वो प्लेन ऑफ कनेक्शन में, ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं वो प्लेन ऑफ कनेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो रिवेट्स हैं यहाँ पर वो शियर और टॉर्जन से सब्जेक्टेड है, ठीक है, उसमें शियर आ रहा है और टॉर्जन आ रहा है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि हमारा, मान लेते हैं कि ये लोड एक्ट कर रहा था, इसके सीजी हमारा यहाँ पर है, सीजी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, वहां से इसेंट्रिसिटी ई है, तो जो हमारा इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से हमारी शियर स्ट्रेसेस भी होंगी, तो और उस पर रिवेट पे हमारा एक फोर्स आएगा, तो वो फोर्स जो है हमने मान लिया ट्विस्टिंग की वजह से हमारा एफ टू फोर्स आ रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से रिवेट पे, और जो हमारा डायरेक्ट लोड की वजह से इसको रजिस्ट करने के लिए हमारा शियर लोड इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा फोर्स एफ वन है, तो वो हो जाएगा इक्वली डिवाइड होगा हमारा रिवेट ग्रुप, तो पी बाई एन, अगर हमारा रिवेट ग्रुप में एन रिवेट्स हैं तो ये हमारा ड्यू टू शियर हो गया। टॉर्जन की वजह से आपका एम्पेरिकली ड्राइव किया जाएगा कि जो एफ टू फोर्स डेवलप हो रही किसी भी रिवेट पे, दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट आपका पीई है, आर एन इज द रेडियल डिस्टेंस, इस रेडियल डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी भी रिवेट की जो दूरी है आर एन है, ठीक है, तो अलग अलग रिवेट के लिए एफ टू की फोर्स अलग अलग होगी, सिग्मा आर स्क्वायर, यानी आर वन आर टू आर थ्री जितने भी रिवेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनका समीशन होगा आर स्क्वायर का। तो आप कह सकते हो कि जो आप ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो रिवेट पे फोर्स आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी दूरी कितनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिवेटेड ग्रुप से, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका कोई भी रिवेट हो गया उस पर दो तरह की फोर्स हो गई, एक एफ वन हो गई एक एफ टू हो गई, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो एफ मान लेते हैं, दैट इज गिवन बाई एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है कि एफ वन कितना है एफ टू कितना है और हमारा उन दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, जो हमारा ये वाला रिवेट है यहाँ थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो एफ वन एफ सब ज्यादा तब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब एफ वन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एफ टू की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एफ टू की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब वो रिवेट जो है वो फार्देस्ट होगा, यानी आर एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी रिवेट में जो रिवेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सबसे दूर लोकेटेड होगा, तो फार्देस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो कॉस थीटा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस थीटा मैक्सिमम होने के लिए थीटा जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दो चीजें देखनी है कि फार्देस्ट रिवेट कौन सा है और हमारा थीटा किस रिवेट के लिए मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एफ टू का डायरेक्शन है वो आप सीजी से लाइन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो एफ टू फोर्स होगी जो इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट इंड्यूस कर रही होगी, ठीक है। तो आप विजुअली ये इंस्पेक्ट कर सकते हो कि जो रिवेट फार्देस्ट होगा रिवेट ग्रुप से एंड लाइन ऑफ एक्शन जो लोड का लाइन ऑफ एक्शन है उसके नियरेस्ट होगा वो हमारा जो रिवेट है वो सबसे क्रिटिकल रिवेट होगा जिसपे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी जिसकी वजह से वो फेल होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि रिवेट हमारा फार्देस्ट होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो नियरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस ग्रुप को देखें जिसमें हमारे ए बी सी डी चार रिवेट्स दिए हुए हैं, तो अगर हम इनपे फोर्सेस ड्रॉ करें, वापस से आपने ये कनेक्ट किया इनको सीजी से, ये आपका सीजी हो गया बिकॉज सिमेट्रिकल पैटर्न है, ये सीजी से हमारा जो लोड है वो पी है, पी तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो पी ई जनरेट हो रहा है। तो इस पे जो आपकी फोर्स है आप देख रहे हो कि रिवेट जो बी है और सी रिवेट है ये हमारे लाइन ऑफ एक्शन से सबसे पास में है, और साथ ही साथ बिकॉज दूरी सबकी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर सेम है तो
तो सभी जो रिवेट्स है सभी इक्वल दूरी पे हैं सीजी से, तो इसकी वजह से जो हमारा F2 फोर्स है सभी में सेम होगी, ठीक है, सभी में सेम है F2 फोर्स, F1 फोर्स भी सेम होगी बिकॉज शेयर लोड इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो केवल फर्क पड़ेगा इस लाइन ऑफ एक्शन से जो सबसे नियरेस्ट रिवेट्स हैं वो बी और सी हैं। तो साथ साथ अब आपको क्या देखना पड़ेगा, थीटा देखना पड़ेगा, थीटा मिनिमम होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि जो रिवेट्स आपके यहाँ पर हैं, ये वाले रिवेट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो थीटा है मिनिमम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, थीटा मिनिमम का मतलब हो गया कि हमारी मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू है, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ वो हमारा सबसे ज्यादा होगा बी और सी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी जो है ये मोस्ट क्रिटिकल रिवेट है, तो बी ऑप्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल रिवेट, तो हमारा रिवेट बी, बिकॉज सी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, तो वी कैन से बिकॉज डी की भी दूरी उतनी है बट सी इज मोर क्रिटिकल दैन डी, ठीक है, तो हम मोस्ट प्रेफर्ड जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इनका एक्चुअल में करेक्ट आंसर होना चाहिए था बी और सी, इन्होंने थोड़ा सा गलती की है, टाइपिंग मिस्टेक की है बेसिकली। तो आप ध्यान रखेंगे ये कंसेप्ट आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मेंबर है दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, और हमसे बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर जो हमारा स्ट्रेस हो रही है वो हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए कितनी हमारी शियर स्ट्रेस होगी। तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन लिया, लॉन्गिट्यूडनल बार लिया, प्रिज्मेटिक बार लिया, जिसपे हमारा लोड टेंसाइल लोड पी एक्ट कर रहा था, उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन लिखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो सिग्मा एक्स इक्वल टू पी अपॉन ए होगी, और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए। तो कोई भी स्ट्रेस एलिमेंट लोगे तो उस पर हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही है दैट इज पी बाई ए। अब हम क्या करते हैं, हमने एक प्लेन पी क्यू लिया जो कि एक एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर अब हमें निकालना है कि कितनी नॉर्मल स्ट्रेस होगी। तो इसको मान लेते हैं कि सिग्मा थीटा होगा, तो सिग्मा थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि इस पर हमारी नॉर्मल फोर्स कितनी आ रही है वो हम अज्यूम कर लेते हैं एन है, और ए हमारा इस इंक्लाइंड सेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए वन है, तो हमारा जो सिग्मा थीटा होगा वो एन अपॉन ए वन हो जाएगा। अब अगर आप इसको फोर्स कंपोनेंट स्टैटिक से डिवाइड कर लो कि ये रिजल्टेंट फोर्स पी थी, इसका रिजोल्यूशन आपका एन इस प्लेन के परपेंडिकुलर एन है, और जो इसके पैरेलल यानी शियर फोर्स है वो वी है, तो हमारा जो एन की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन बाय पी कॉस थीटा। ये सिंपल स्टैटिक से आप कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर रहे हो, जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स पी लग रही थी पी साइन थीटा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिग्मा थीटा कितना हो गया पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए वन। अब ए वन जो है आपका वो होगा ए बाई कॉस थीटा बाई ज्योमेट्री, ठीक है, ये जो थीटा है दिस इज थीटा, इस थीटा के बेसिस पर हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा, तो आपका ये निकल के आएगा सिग्मा थीटा जो कि प्लेन एक थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ, उस पे जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी दैट विल बी पी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो हमारा पी बाई ए हमारा नॉर्मल स्ट्रेस था विच वॉज सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। इसी तरह हमारा जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है दिस इज टाउ थीटा, तो टाउ थीटा के लिए आपको वी निकालना पड़ेगा वी बाई ए वन, तो वी हमारा कितना है पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए वन। अब बिकॉज हमारा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो शियर स्ट्रेस जो हमने मान लिया टाउ थीटा वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है विच इज ट्राइंग टू रोटेट द एलिमेंट इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम इसको निगेटिव ट्रीट करेंगे बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि जब एलिमेंट हमारा काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो वी आर अज्यूमिंग शियर स्ट्रेस एज पॉजिटिव, तो पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस सिग्मा एक्स इसको साइन टू थीटा बाई टू लिख सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी,
मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब कॉस टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, कॉस टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो हमारा टू साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो हमारा थीटा जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, यानी जीरो डिग्री पे, यानी हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो हमारा सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हो जाएगा एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज सिग्मा नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कब होगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन टू थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो कॉस नाइन्टी विल बी जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 40 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू अब वापस से 45 डिग्री रखोगे तो टाऊ मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो टाऊ एक्स सिग्मा एक्स बाई 2 आ जाएगी, इसको आपको इस इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आप देख रहे हो कि जो सिग्मा एक्स है ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया, इट इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा 45 है तो हमारी शियर स्ट्रेस प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेस पे होगी, यानी ये थीटा जो होगा ये हमारा जब 45 डिग्री पे होगा तो टाऊ थीटा जो होगी ये टाऊ मैक्सिमम होगी, और उस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी यानी सिग्मा थीटा यानी सिग्मा एट 45 डिग्री, तो वो आप सिंपली 45 डिग्री रख दोगे ऊपर वाली इक्वेशन पे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन है उस पे हमारी सिग्मा एक्स बाई 2 नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रही होगी, तो यहां पर ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी 2 इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है एक स्ट्रेंड बॉडी में जिसपे दो अनइक्वल का मतलब है दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, और यहां पे दिया है कि मैग्नीट्यूड वाइज जो हमारी P1 प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो P2 से ज्यादा है, और अनलाइक का मतलब है कि नेचर ऑफ फोर्स वो डिफरेंट है, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस डिफरेंट है, यानी एक टेंसाइल है तो एक कंप्रेसिव है, तो वी विल अज्यूम कि P2 जो है वो हमारी अनलाइक फोर्स है एंड इट इज कंप्रेसिव इन नेचर, बिकॉज हमने ये अज्यूम कर लिया कि P1 जो है ये हमारी टेंसाइल फोर्स है, अनलाइक का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको प्लस P1 लिखेंगे, इसको आप माइनस P2 लिखेंगे जब आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और आपसे पूछा जा रहा है उस स्ट्रेंड बॉडी में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको पता है वो स्ट्रेसेस हैं जब हमारे प्लेन पे कोई और शियर स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स प्लेन्स ऑफ जीरो शियर स्ट्रेसेस। यहां पर एक एलिमेंट लिया जिसपे हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही थी और उस पर शियर स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रही थी, थीटा पी एंगल पे यानी प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन्स जो σ1 और σ2 आई, इंटरमीडिएट स्ट्रेस हमने जीरो ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वो कितना होगा, σ1 माइनस σ2/2 होता है अगर हमारा नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है, दे आर लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बट यहां पर अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं वो σ1 जो कि P1 है माइनस ऑफ माइनस σ2 हो जाएगा, बिकॉज अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो σ1 प्लस बाई 2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 1/2 द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होता है, बट अनलाइक फोर्सेस के लिए 1/2 द सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाएगा फॉर अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और उस मैक्सिमम स्ट्रेस वाले शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी दैट विल बी सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, बट यहां पर क्या हो जाएगा, σ1 माइनस σ/2, बिकॉज यहां पे नेचर ऑफ स्ट्रेसेस सेम होगा, अपोजिट नेचर की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हैं जिस पर हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो रही है वो हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स जिसपे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस केवल लग रही हैं उससे वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है स्ट्रेंड मटेरियल में जहां पर हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हैं, टेंजेंशियल का मतलब हो गया कि हमारी शियर स्ट्रेस हैं
जो प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके पैरेलल हमारी स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है। और हमसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है एक लॉन्गिट्यूडनल बार का, और उस पर हमारा एक लोड लग रहा था जिसकी वजह से उस इंक्लाइंड प्लेन पे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा हमारी शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही थी। अब इनको हमने क्या किया, इनको अरेंज किया लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग। ये सिग्मा थीटा है, ठीक है, ये मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया था मैंने, ये टाउ थीटा है। अब लॉ ऑफ फोर्सेस से जो हमारा ये डायरेक्शन होगा क्लोजिंग डायरेक्शन, ये हमारा इक्विलिब्रियम में इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट होगा। तो जो ये रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना होगा इस प्लेन पे, टाउ थीटा स्क्वायर प्लस सिग्मा थीटा स्क्वायर। जो ये रिजल्टेंट है नॉर्मल स्ट्रेस के साथ जिसको आपने सिग्मा थीटा से इंडिकेट किया है, जो एंगल बनाएगा ये हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी होगा, ठीक है। इसका भी सिग्निफिकेंस हम फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है इस स्ट्रेन्ड मटेरियल की इस पोजीशन पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे, जो एंगल हमारा रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस के साथ बना रहा है वो हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है। अब इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है यानी सिग्मा थीटा और टाउ थीटा जो है वो बराबर है, ठीक है। अब जब बराबर है तो टेन फाई इसको हम लिख सकते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी टाउ थीटा अपॉन बेस। तो आपको ध्यान रखना है, तो हमारा फाई जो होगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स वन, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है इस कंडीशन के लिए वो 45 डिग्री होगी, ठीक है। यही सेम चीज मैंने यहां पर आपको दिखाई हुई है, ठीक है, कि जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है वो रिजल्टेंट स्ट्रेस के साथ जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बॉडी है जिसमें एक पॉइंट पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं वो P1 एंड P2 है, एंड मैग्नीट्यूड वाइज हमारा जो P1 है वो P2 से ग्रेटर है, बट यहाँ पर कोई नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बात नहीं किया, तो हम विल अज्यूम कि बहुत आर टेंसाइल स्ट्रेसेस, बहुत प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है, यहाँ पे हम अजम्पशन ले लेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी उस प्लेन पे जिस पे हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है किस उस प्लेन पर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यहाँ पे P1 बाई P2, हम वी विल अज्यूम P1 माइनस P2 बाई 2। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर टू डायमेंशनल प्लेन में एलिमेंट जो हमने लिया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्ट कर रहा था, टाउ एक्स वाई एक्ट कर रहा था, थीटा पी एंगल यानी प्रिंसिपल प्लेन पे जो हमारा स्ट्रेसेस एक्ट कर रही P1 और P2 एक्ट कर रही हैं, सेम नेचर की फोर्सेस हैं, तो ये दीज आर द प्रिंसिपल प्लेन्स बिकॉज इस पर कोई भी शेयर स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रही हैं। बट हमसे कहा जा रहा है कि हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन पे जाना है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाला जो प्लेन होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा पी प्लस माइनस 45 डिग्री, वो 45 डिग्री पे हमारा इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। जब हमारा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा तो उस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे वो होगी एवरेज स्ट्रेस, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी वो उन दोनों का एवरेज होंगी यानी P1 प्लस P2 बाई 2। तो रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, इसको रिजल्टेंट लिख देते हैं, दैट विल बी सिग्मा एन स्क्वायर, और उस प्लेन पे हमारा बिकॉज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बाय स्टैटिक्स लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। तो यहां पर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, P1 माइनस P2 का हाफ का होल स्क्वायर, इसको आप वापस से सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो मिलेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 2। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे तो जो रिजल्टेंट प्लेन होगा वो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगी वो हमारी ऑप्शन बी का मैग्नीट्यूड होगा, और जो एंगल होगा, जो एंगल ऑफ
ऑब्लिगिटी अगर इसमें पूछ लिया जाता तो हमारा क्या होता, टैन इनवर्स टाउ थीटा अपॉन, यहाँ पे टाउ थीटा हमारी टाउ मैक्स है बिकॉज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, और सिग्मा एन होता, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाती टैन इनवर्स पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई पी वन प्लस पी टू, बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो एवरेज स्ट्रेस है जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस वाले प्लेन पर एक्ट कर रही है, तो इससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इसी इसको समझाने के लिए मैंने वापस से एक एग्जाम्पल लिया कि हमारा एक एलिमेंट ए था जो कि प्रिंसिपल प्लेन थी जिस पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा था, ठीक है, शियर स्ट्रेस कोई नहीं है, तो दिस विल बी द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन्स, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये, तो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स बाई टू, और उस पर ही हमारी एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही है जो कि सिग्मा एक्स प्लस जीरो बाई टू एक्ट कर रही है, तो आप देख पा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी तरह हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई टू का अंडर रूट हो जाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो इस तरह निकाली गई है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिगिटी इज इंक्लाइंड टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन हमारा वो प्लेन होगा जिसपे हमारी जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड की प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो एक्ट कर रही होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड हैविंग हायर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रही है, और जो हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिगिटी है ये बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन, एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन रिलेटिव टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, जो यहां पर पूछा जा रहा है, तो बेसिकली हमें बताना यह है कि जो फेल्योर प्लेन है वो हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमने सॉयल मैकेनिक्स में आपने पढ़ रखा है मोहर कूलम्स की थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस है एलिमेंट पे, इसको कुछ आप डायग्राम से समझते हैं कि मोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं मोहर कूलम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमने कुछ इस तरह पढ़ा था कि यहां पर जो एलिमेंट है सॉयल का उस पर हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेस है दिस इज सिग्मा वन और ये सिग्मा थ्री, और जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग वो हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, पर हमने ये देखा था कि जो फेलियर हो रहा है ये इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पर नहीं हो रहा, वो एक दूसरे प्लेन पर हो रहा है जिसे हम फेलियर प्लेन बोल रहे हैं, और वो एंगल जो है मेजर प्रिंसिपल के साथ हम मान लेते हैं कि थीटा एफ है जिसको हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फेलियर, अब हम ये मान लें कि फेलियर के टाइम पे जो हमारी स्ट्रेसेस होंगी वो सिग्मा एफ एफ होगा, वन एफ होगी, यहां से ये सिग्मा थ्री एफ होगा, ठीक है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो एक्ट कर रही है सिग्मा वन एफ सिग्मा थ्री एफ, अब ये हमारा सेंटर है सर्कल का और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस दिखा रहे हैं और यहां पर हम नॉर्मल स्ट्रेसेस दिखा रहे हैं, तो ये सिग्मा वन एफ और सिग्मा थ्री एफ जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो हमारा ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है ये आपका सिग्मा वन एफ माइनस सिग्मा थ्री एफ बाई टू है, ठीक है, अब एक्चुअल में मान लेते हैं कि हमारा जो फेल्योर है वो इस पॉइंट पर हो रहा है बिकॉज ये लोकस है हमारा फेल्योर प्लेन का, तो अगर आप इसको यहां से ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इसको वर्टिकल इंटरसेप्ट ड्रॉ करें एट द टाइम ऑफ फेलियर, तो ये ऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि फेलियर के टाइम टाउ एफ एफ है और यहां से इसकी जो दूरी है ये हमारी सिग्मा एफ एफ है, तो ये जो एंगल बनाया ये आपका प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिगिटी है जिसके अलोंग हमारा जो एंगल होगा वो हो जाएगा टैन इनवर्स टाउ एफ एफ अपॉन सिग्मा एफ एफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेल्योर तब हो रहा है कि जब हमारा ये रेशियो मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम ऑब्लिगिटी है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो फेल्योर प्लेन होगा वो थीटा ऑफ ये इंक्लाइंड होगा, ठीक है, अगर इसको सेंटर ऑफ सर्कल से जोड़ दें तो ये एंगल जो बनता है ये टू थीटा एफ बनता है,
और ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है,